झुंझुनू के सूरजगढ़ थाना इलाके के तोला से गांव में बीती रात एक युवक की लाठियों से पीट पीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में दो संदिग्ध हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं झुंझुनू के बीडीके अस्पताल में मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया है। चिड़ावा DSP शिवरतन गोदारा ने बताया कि परिजनों ने रिपोर्ट दी है कि बीती रात को 31 वर्षीय महेश पुत्र ताराचंद मेघवाल खाना खाकर घर के बाहर ही सोया था। चिड़ावा DSP शिवरतन गोदारा ने बताया कि परिजनों ने रिपोर्ट दी है कि बीती रात को 31 वर्षीय महेश पुत्र ताराचंद मेघवाल खाना खाकर घर के बाहर ही सोया था। उसके बाद क्या हुआ उन्हें नहीं पता, लेकिन सुबह करीब 4:30 बजे गाँव का महिपाल पूनिया और उसका बेटा मोनू उनके घर के आगे घायल अवस्था में महेश को पटक कर चले गए। परिजनों ने जब महेश को घायल देखा तो पहले चिड़ावा के एक निजी अस्पताल ले गए, जहां से उसे झुंझुनू रेफर किया गया, लेकिन झुंझुनू में चिकित्सकों ने महेश को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल परिजनों की रिपोर्ट पर मामले की जांच शुरू की जा रही है। इधर परिजनों के माने तो अभी तक हत्या के कारणों का किसी को नहीं पता, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि आरोपी अवैध शराब का काम करते हैं। संभवतः शराब को लेकर किसी बात पर महेश की हत्या की गई है। हालांकि अभी यह पुलिस जांच का विषय है। परिजनों ने गांव के महिपाल पूनिया, उसकी पत्नी सुनीता तथा बेटे मोनू सहित अन्य के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया है। यह सब घटना आज रात ने घर बैठो कैब जो गयो वो तो मानते हो इतना पता होगा नहीं की, और उनके बाद में एक महिपाल और वो लड़को मोनू ये दोनों सुबह 4:30 बजे समथिंग है घर गेट आ गए घेर गया, और वो बेहोश भाई तो मेरे छोटो महेश बेहोश की हालत में हो तो माने वो पता को नहीं चीज़ को कि मेरे उन्हें डॉक्टर का वो मेरे बड़ो भाई है सोग आयो इन्हों एक ताऊ को लड़को को वो आयो उन्हें देखियो जना फिर पायल हॉस्पिटल में गया मैं तो पायल हॉस्पिटल बोले की हालत गंभीर है और एलियन दोनों बीडी के हॉस्पिटल में लेके जाओ, तो मैं बीडी के हॉस्पिटल में लेके आया तो उरे फिर डॉक्टर ने जवाब दे दियो। मैं तो मारा भाई का साथ बराबर था हूँ, इतनी कार्रवाई हुई है तो इतनी कार्रवाई चाहूँ बिल्कुल। गांव पड़ता थोड़ा सही वहाँ का एक मामला है, ये कोई मर्डर केस हुआ है जिसके दो चश्मदीद गवाह हैं जिन्होंने बाप बेटे दोनों को उस पकड़ के लेके आते हुए देखा है, बेसुध उस घर के सामने डाल गए, ये लोग हॉस्पिटल लेके आए और हॉस्पिटल तो पहुँचते पहुँचते वो मर्द घोषित कर दिया गया। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह करवा रहे हैं। अब कानून पे हमें भरोसा है, न्यायपालिका है, मुजरिमों को जल्द से जल्द पकड़ने का आश्वासन के साथ हम लोग पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। ये सूरजगढ़ थाना क्षेत्र के अंदर है, वहाँ एक रात के समय कोई घटना हुई है, एक व्यक्ति की पीट करके हत्या करने का आरोप है। इस संबंध में जो है हम लोग बाग पोस्टमार्टम और अग्रिम कार्रवाई करवा रहे हैं और मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं। इसमें एक लड़का का नाम आया है, महिपाल का लड़का है मोनू और महिपाल है और एक उसकी वाइफ है महिपाल की, तो इन पे आरोप है और उसके साथियों पर है। अभी अनुसंधान चल रहा है, अभी देखते हैं क्या। हाँ, हमने डिटेन किया है दो लोगों को, अभी उनसे तफ्तीश कर रहे हैं, अब ये अनुसंधान का विषय है अभी।